चेरियों को हमने काट के और नमक और हल्दी लगा के इसको एक दिन के लिए हमने रख दिया। आज दूसरा दिन है इनको माशाल्लाह, और इन्होंने पानी छोड़ दिया, आपको दिखाएं, ये इन्होंने पानी छोड़ा। इसका ये पानी रिमूव करेंगे हम किसी छन्नी में, उसके बाद इसको एक दो घंटा फिर सुखाएंगे, उसके बाद फिर अचार डालेंगे, तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारा कैसे अचार बनता है माशाल्लाह। इसका पानी रिमूव करेंगे, इसमें सारा पानी निकाल के, केरियाँ भी हमने धो के धूप पे सुखा दी हैं। इसमें हल्दी नमक ये लगा के और माशाल्लाह इसका पानी यहाँ पे सुखा दिया हमने, और ये पड़ी अभी आएंगे तो अचार बना के आपको दिखा दें माशाल्लाह। चलो भाई, अब इन मसालों को हल्का हल्का हमने कूट लिया, हल्का हल्का कूटना है इनको, और ये कलौंजी, सूखा धनिया, सौंफ, राई दाना, मेथी दाना। राई दाने को हमने कूट दिया हल्का हल्का दरदरा, अब मेथी दाने को भी कूटेंगे और हल्का सा इसको भी, अपना धनिया, सूखी धनिया को भी कूट लेंगे, हल्के सौंफ को भी कूट लेंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे अचार डाल के इस बाल्टी में, और वो सामने केरियाँ पड़ी हैं धूप पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज का दाना यानी कि कलौंजी, इसको क्या कहते हैं, प्याज का दाना यानी कि कलौंजी। अब डालेंगे इसमें ऑयल, जो हमने गरम करके रखा था, सारा ऑयल यही है। ऑयल भी पड़ गया माशाल्लाह इसमें, माशाल्लाह ये हमारा अचार जो है ना केरियों का बन गया मुकम्मल। हमने बाल्टी चेंज कर दी, पहले दूसरी बाल्टी थी, अभी ये माशाल्लाह हमने ये बाल्टी इसमें डाला है, और ये माशाल्लाह अचार हमारा तैयार हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं निकाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
माशाल्लाह। नाज़रीन, ये वीडियो आपको हमारी पसंद आए, ये अचार वाली जो हमने ये अचार माशाल्लाह बनाया है, तो हमने कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। और भी आपको निकाल के दिखाते हैं। माशाल्लाह, एक केरी चेक करें खा के। ओहो टेस्टी, माशाल्लाह माशाल्लाह, नहायत ही टेस्ट और खट्टा खट्टा।